नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जूलियन असांज के केस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जूलियन असांज कब सुर्खियों में आए थे? 2010 के आसपास जूलियन असांज सुर्खियों में आए थे, क्योंकि इनके द्वारा फाउंडेड विकीलीक्स ने बहुत सारे गवर्नमेंट्स के बारे में लीक्ड और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया था। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स नहीं चाहती कि पब्लिक डोमेन में आए। फॉर एग्जांपल, यूएसए ने अफगानिस्तान और इराक में युद्ध के दौरान किस प्रकार की रणनीति अपनाई, किस प्रकार के एक्शन लिए, बहुत सारी ऐसी जानकारी जो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए थी, यूएसए के अनुसार विकीलीक्स ने उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर दिया और पब्लिक डोमेन में वो इंफॉर्मेशन आ गई। और यूएसए ने आरोप लगाया जूलियन असांज के ऊपर कि जूलियन असांज ने चेल्सी मैनिंग के साथ मिलकर यूएसए में सीक्रेट कंप्यूटर नेटवर्क में घुसपैठ की और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को चुराया, बाद में उसे पब्लिश कर दिया विकीलीक्स की वेबसाइट पर। तो यूएसए तो देखो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था जूलियन असांज से, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन लीक की गई थी विकीलीक्स के द्वारा, उससे यूएसए की काफ़ी ज़्यादा फजीहत हुई थी। जिस प्रकार के एक्शंस उन्होंने लिए थे अफगानिस्तान और इराक वार में, तो यूएसए काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया था जूलियन असांज से। दुनिया में काफ़ी स्पोर्ट भी होने लगा था जूलियन असांज का और क्रिटिसिज्म भी काफ़ी होने लगा था। तो उस समय 2012 के आसपास स्वीडन की दो महिलाओं ने जूलियन असांज पर आरोप लगाया सेक्सुअल असोल्ट का। उस समय यूके में थे जूलियन असांज, तो यूके की कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए स्वीडन में, क्योंकि स्वीडन में इनके अगेंस्ट सेक्सुअल असोल्ट के केसेस चल रहे थे। तो देखो, जब यूके की कोर्ट का ये आदेश आया कि इनको एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए स्वीडन में, तो इन्होंने एसाइलम मांग लिया इक्वेडोर से। इक्वेडोर की बनती नहीं है यूएसए के साथ, तो इक्वेडोर मेनली वो काम करना चाहता था जिससे यूएसए और ज़्यादा चिढ़े। और आपको पता है जूलियन असांज से यूएसए बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। यूएसए मांग कर रहा था कि जूलियन असांज को पकड़ के एक्स्ट्रा राइड कर दिया जाए यूएसए में। तो इक्वाडोर ने यूएसए से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए क्या किया, असाइलम दे दिया जूलियन असांज को। 7 सालों तक जूलियन असांज कहाँ पर रहे? वो रहे यूके में इक्वाडोर की एम्बेसी में, क्योंकि इक्वाडोर ने जूलियन असांज को पॉलिटिकल असाइलम दे दिया था। लेकिन देखो हुआ क्या, जूलियन असांज के जो रिलेशंस थे वो इक्वाडोर के प्रेसिडेंट के साथ खराब हो गए। इक्वेडोर के प्रेसिडेंट ने आरोप लगाया जूलियन असांज पे कि जूलियन असांज ने इक्वेडोर के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस की, तो रिलेशंस खराब हो गए। 7 साल बाद इक्वेडोर ने जूलियन असांज को जो पॉलिटिकल असाइलम दिया था उसे वापस ले लिया। अब वापस ले लिया तो इक्वेडोर की असेंबली ऑफिशियल्स ने इन्वाइट किया यूके गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को कि आप बेशक आ सकते हो हमारी एम्बेसी में और गिरफ्तार कर सकते हो जूलियन असांज को, क्योंकि हमने इनको जो पॉलिटिकल असाइलम दिया था अब वो वापस ले लिया है। तो इसके बाद तो यूके की जो पुलिस थी वो एंटर कर गई इक्वाडोर की असेंबली में और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जूलियन असांज को। तो अब देखो, यूके की गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि जूलियन असांज को कहाँ पर भेजा जाए। इनको भेजा जाए स्वीडन में, जहाँ पर इनके अगेंस्ट सेक्सुअल असोल्ट के केसेस चल रहे हैं, या फिर इनको भेजा जाए यूएसए में, जहां पर इनके अगेंस्ट कंस्पायरेसी का चार्ज लगेगा। इन्होंने यूएसए के अगेंस्ट कंस्पायरेसी की कंप्यूटर नेटवर्क में घुसपैठ करके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को चुराया। मतलब ये यूके गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि इनका एक्सट्रेडिशन कौन से देश में हो, स्वीडन में हो या फिर यूएसए में हो। अब देखो, एथिकल इशू यहां पर यह इमर्ज होकर आता है, जब जूलियन असांज के खिलाफ यूएस की गवर्नमेंट पीछे पड़ी तो जूलियन असांज ने यह बोला, मैंने जो कुछ भी किया, यानी मैंने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को विकीलीक्स की वेबसाइट पर पब्लिश किया,
पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया, और मेरे पास राइट है एक्सप्रेशन का, उसी राइट का इस्तेमाल करते हुए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन द हिंदू क्वेश्चंस रेज करता है, क्या कन्वेंशनल मैनर में हम ये माने कि जूलियन असांज ने जो कुछ किया वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत किया, या फिर वो इसको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम विकीलीक्स को ट्रेडिशनल सेंस में एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते हैं? इस पर देखो एक बड़ी डिबेट हो सकती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लिबरल्स जो पूरे वर्ल्ड में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो जूलियन असांज का समर्थन नहीं कर रहे हैं, खास करके यूएसए में। यूएसए में जो लिबरल्स हैं उनका आरोप जूलियन असांज के ऊपर ये है, 2016 में जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे तो उस समय क्या हुआ था, रशियन हैकर्स ने यूएसए में डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चुरा ली थी, अगर जिसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए तो डेमोक्रेटिक पार्टी की काफ़ी ज़्यादा फजीहत हो। तो रशियन हैकर्स ने वो इन्फॉर्मेशन सौंप दी थी विकीलीक्स को, विकीलीक्स ने उस इन्फॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया था। तो इन्फॉर्मेशन के पब्लिश होने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी को काफ़ी सारी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा था, और डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों का ये कहना है इसकी वजह से ट्रंप इलेक्शन जीत गए थे। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन इस फैक्टर ने भी एक अहम रोल प्ले किया जिसकी वजह से ट्रंप इलेक्शन जीते 2016 में। इस वजह से यूएसए के जो लिबरल्स हैं वो पसंद नहीं करते जूलियन असांज को, और वो जूलियन असांज के समर्थन में नहीं बोल रहे हैं। मेन देखो यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन एथिक्स में पूछा जा सकता है केस स्टडी के तौर पर। जैसे ऑलमोस्ट 2 साल पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था एडवर्ड स्नोडन के बारे में, तो उसी प्रकार की केस स्टडी फिर से पूछी जा सकती है कि इस पूरे सिनेरियो में कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। देखो नेशनल सिक्योरिटी का इशू इन्वॉल्व है, ह्यूमन राइट्स का इशू इन्वॉल्व है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू इन्वॉल्व है, तो इन सब इश्यूज का आप उल्लेख कर सकते हो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो देखो हमने पूरा मामला डिस्कस कर लिया 15 अप्रैल के आर्टिकल से। आज कुछ और आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं जूलियन असांज के बचाव में। जैसे देखो पहला पॉइंट ये दिया जाता है, जूलियन असांज ने सिर्फ यूएसए से संबंधित सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं किया, कीनिया के प्रेसिडेंट के द्वारा किस प्रकार से करप्शन किया जा रहा था, टर्की के प्रेसिडेंट और उनकी पार्टी से संबंधित 3 लाख मेल्स को लीक किया गया विकीलीक्स के द्वारा, और ये 3 लाख मेल्स टर्की में कू के बाद की हैं। विकीलीक्स के द्वारा ये कहा जाता है कि हम वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च मारोगे कोलेट्रल मर्डर के नाम से एक वीडियो आपको दिखेगी, उस वीडियो में आपको ये दिखेगा कैसे यूएसए की जो आर्मी है वो इराक में गोलियां चला रही है, मतलब हेलीकॉप्टर से ऊपर इराक में लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, और जो लोग घायल हैं घायलों को ले जाने के लिए एक कार आती है उस पर भी गोलियां चलाई जाती हैं, सोल्जर्स आपस में गोलियां चलाते चलाते हंसी मजाक कर रहे हैं। ये सब देखो काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट था, तो इसी वजह से यूएसए की आर्मी की रेपुटेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई इस वीडियो के लीक होने की वजह से, और काफ़ी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विकीलीक्स के द्वारा लीक की जाती है, और इसी से यूएसए जो है वो चिढ़ने लगता है जूलियन असांज से। उसके बाद से ही यूएसए पीछे लग गया था जूलियन असांज के। जो ये विकीलीक्स वेबसाइट है इस पर काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल और दूसरी तरह के अटैक्स किए गए, जैसे पेपल जो वेबसाइट है उसने विकीलीक्स के साथ एसोसिएट होने से मना कर दिया, यानी लोग जो पहले चंदा दे रहे थे विकीलीक्स को पेपल की सहायता से वो चंदा नहीं दे पाए क्योंकि पेपल ने विकीलीक्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना बंद कर दिया। आर्टिकल में एक ही बात बोली जाती है, ये तो देखो जैसे मैसेंजर को मारने वाली बात है, जूलियन असांज यहाँ पर मैसेंजर हैं, उन्होंने अपने से कुछ गलत काम नहीं किया, उन्होंने दूसरों के गलत काम को उजागर किया, यूएसए की आर्मी के द्वारा जो कुछ गलत किया गया उसको उजागर किया गया जूलियन असांज के द्वारा और उनकी वेबसाइट विकीलीक्स के द्वारा, लेकिन जिस प्रकार से उनको टारगेट किया गया ये गलत है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जूलियन असांज के बारे में आज हमने। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।